आप सब कैसे हैं? चलिए बनाते हैं कच्चे आलू और साबूदाने का चीला। सबसे पहले आलू को छील लेंगे। आलू छिल चुकी है, अब हम अपने आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू कद्दूकस हो चुकी है, इसको हम दो तीन पानी धो लेंगे। अब हम दोबारा पानी से धो लेंगे। इसे गार लेंगे, हम पानी निचोड़ देंगे। इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ती, दो से तीन हरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप और डाल लीजिए। काली मिर्च, इसमें हम 1 टेबलस्पून सीधा नमक डालेंगे। रात भर भीगा हुआ साबूदाना, अब हम इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। आपको रेड चिली पसंद हो तो आप रेड चिली भी डाल सकते हैं। डाल लेंगे। हम व्रत के लिए चीला बना रहे हैं, इसीलिए हमने मूंगफली का ऑयल लिया है। बहुत चिपकता है, इसीलिए हम 2 मिनट गैस डालेंगे। अब हमने गैस ऑन कर लिया है दूसरी तरफ सेकने के लिए। पलटने से पहले 2 मिनट गैस ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत चिपकता है। ऑफ करके निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। देखिए, हमारी आज की रेसिपी रेडी है। कच्चा आलू साबूदाने का चीला,